डिस्कस करने लगे हैं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के 14 पॉइंट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर या स्पेशली पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। आज हम वन बाय वन इन्हें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये 14 पॉइंट्स जो, अगर इनका बैकग्राउंड देखा जाए तो इससे पहले 1927 के अंदर दिल्ली प्रपोजल आया था जिसके अंदर कायदे आजम ने कुछ सजेशंस दी थी लेकिन वो नहीं मानेंगी। इसके बाद 1928 के अंदर साइमन कमीशन या नेहरू रिपोर्ट आई थी जिसे कि जिसे मुसलमानों ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद 1929 में फिर कायदे आजम ने अपने 14 पॉइंट्स दिए कि भाई अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो उन्हें वो कॉन्स्टिट्यूशन इस सूरत में बनाना होगा कि उसमें इन 14 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखा जाए। अगर वो इन 14 पॉइंट्स को मद्देनज़र नहीं रखेंगे और इसके अलावा कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो वो मुस्लिम्स ऑफ इंडिया जो है उनको एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो सबसे पहला इसमें अगर हम पॉइंट देखें तो सबसे पहला पॉइंट है हिंदुस्तान का जो आइन है वो फेडरल टाइप का होगा और इसके अंदर सूबों को जो है वो बाकी मानता सारे के सारे इख्तियारात दिए जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला यानी पॉइंट ये है कि जो भी हमारा जो हिंदुस्तान का आइन बनेगा वो फेडरल आइन होगा और उसके जो बाकी इख्तियारात हैं वो सारे के सारे प्रोवेंसेस अपनी मर्जी से यूज़ करेंगे। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है जी जो जितने भी प्रोवेंसेस हैं सारे के सारे प्रोवेंसेस उन तमाम को एक जैसे जो है वो इख्तियारात मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो हिंदू अक्सरियती सूबे हैं वहाँ पर उनको इख्तियारात ज़्यादा मिलें और जो मुस्लिम अक्सरियती सूबे हैं वहाँ पर उनको इख्तियारात कम मिलें, बल्कि तमाम जो सूबे हैं उन सबको इक्वल जो हैं वो इख्तियारात मिलेंगे। इसका पॉइंट नंबर 3 अगर हम देखें तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं वहाँ पर जो मुंतखब नुमाइंदे तश्कील दिए जाएंगे उनकी उनको माइनॉरिटीज़ जो हैं वहाँ पर उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा और उनको उनकी अक्सरियत के हिसाब से रखा जाएगा ना कि उन्हें अकलियत बनाया जाएगा। और पॉइंट नंबर 4 जो है वो है मरकज़ी कानून साज इदारे में मुसलमान जो हैं उनको एटलीस्ट 1/3 जो है वो नुमाइंदगी दी जाएगी। अगर 3 नुमाइंदे जो हैं वो हिंदुओं के हैं तो 1 नुमाइंदा उन्हें मुसलमानों का ज़रूर शामिल किया जाएगा सेंट्रल लेजिस्लेट के अंदर। इसका जो 5th पॉइंट है वो है जो मुख्तलिफ माइनॉरिटीज़ इंडिया के अंदर बसती हैं या फिरके जो बसते हैं अगर कोई भी कानून वो बनाएंगे तो उनकी मर्ज़ी से बनाएंगे और अगर वो 3/4 जो है वो उसको रद्द करते हैं तो वो रद्द ही समझा जाएगा। इसका 6th पॉइंट जो है वो है हिंदुस्तानी सूबे जो हैं उनमें कोई भी ऐसी चेंज नहीं की जाएगी जहाँ पर मुसलमान मेजॉरिटी में हैं और उनकी मेजॉरिटी को चेंज करके माइनॉरिटी में कर दिया जाए जैसे कि फॉर एग्जांपल पंजाब या बंगाल या सरहद के अंदर। पॉइंट नंबर 7 है तमाम जो फिरके हैं या तमाम जो कौमें हैं उनका मजहबी तालीमी माशी समाजी और हर तरह से उनका ख्याल रखा जाएगा। पॉइंट नंबर 8 जो है वो कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं किया जाएगा जिसमें मुसलमानों की हिमायत शामिल नहीं होगी, इसलिए मुसलमानों की हिमायत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी चाहे वो 1/4 जो मुसलमान हैं उनकी नुमाइंदगी के हिसाब से हो। पॉइंट नंबर 9 है जो सिंध है उसको मुंबई से अलहदा किया जाएगा। यही बात 1928 में भी कायदे आजम ने कही थी नेहरू रिपोर्ट के जवाब में कि सिंध को मुंबई से अलहदा किया जाए। पॉइंट नंबर 10 है सूबा सरहद जो है या बलोचिस्तान जो है इनको भी मुकम्मल सूबा बनाया जाएगा और यहाँ पर भी रिफॉर्म्स जो हैं वो लाई जाएंगी और यही बात 1928 में भी कायदे आजम ने रिपीट की थी। पॉइंट नंबर 12 अगर हम देखें तो उसमें कहते हैं कि आइन के अंदर कोई भी ऐसे जो तहफ़ुज़ात हैं जो अगर जिनमें मुसलमानों को कोई तहफ़ुज़ात है कि भाई मुसलमान को उनकी सकाफत को उनके तमद्दुन को उनकी तहजीब को उनके तालीमी हुकूक को किसी भी किस्म का कोई ख़तरा है तो वो पास नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 13 है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो प्रोवेंशल गवर्नमेंट है वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उनकी कैबिनेट की या वजारतों की जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो कम से कम 1/3 नुमाइंदगी मुसलमानों को 1/3 ज़रूर दी जाएगी। अगर 3 वजारतें जो हैं वो हिंदुओं के पास हैं तो उनमें 1 वजारत मुसलमानों के पास भी होनी चाहिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट द 14 पॉइंट के मरकजी मजलिस कानून साज जो है जो सेंट्रल लेजिस्लेट है उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी तरमीम जो है वो तमाम के तमाम वफाक की हिंद की इकाइयों की मंजूरी से दी जाएंगी, यानी कि जितनी भी सेंट्रल के अंदर पावर्स हैं वो सब की सब मंजूर करेंगी तो उसके बाद जो है सेंट्रल लेजिस्लेट के अंदर कोई चेंज की जाएगी। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी तो आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ये वो 14 पॉइंट्स थे जिन्हें कि मुस्लिम का जो दूसरा ग्रुप था जो कि सर मोहम्मद शफी जो है वो रन कर रहे थे जो कि बास चीज़ों पर मुस्लिम लीग के कायदे आजम ग्रुप से जो है वो इनकारी भी थे, उन्होंने भी इनको एक्सेप्ट किया और इस बात को माना कि ये वो 14 पॉइंट्स हैं जो मुसलमानों के लिए होना बहुत ज़रूरी हैं एक नए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इसी 14 पॉइंट्स को जो है आगे पेश किया गया हिंदू लीडरों को भी और यही बाद में जो है ब्रिटिशर्स को भी कही गई कि आपको इन 14 पॉइंट्स को मानना पड़ेगा अगर आपको एक नया कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान के अंदर बनाना है जो सबको एक्सेप्टेबल हो। तो अगर इन 14 पॉइंट्स को आप नए कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं करेंगे तो मुसलमानों को कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा।